ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में शक्ति की उपासना करता है। शक्ति तत्व की कृपा के बिना जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल सकती। आधुनिक विज्ञान भी इस बात को मानता है कि जो ऊर्जा है, एनर्जी जो है, वो कभी नष्ट नहीं होती, वो ट्रांसफॉर्म होती है, परिवर्तित होती है। तो शक्ति को, ऊर्जा को हम अपने मन चाहे लक्ष्य में परिवर्तित कर सकते हैं। वो जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं, जिस क्षेत्र में चाहें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शक्ति उपासना में सबसे सहज और सरल उपासना है भगवती दुर्गा की उपासना। इसीलिए हमारे यहाँ पर नवरात्रा में हर व्यक्ति, आस्थावान व्यक्ति, कोई व्रत करता है, कोई किस रूप में, कोई किस रूप में भगवती की, दुर्गा की उपासना करते ही करते हैं। भगवती दुर्गा की उपासना है क्या? मूल रूप से जो प्रकृति है वो त्रिगुणात्मक है, सात्विक, राजसी और तामसी। भगवती दुर्गा उन तीनों का सम्मिलित स्वरूप है। महाकाली वो स्वरूप, उनके तामसी स्वरूप का, राजसी स्वरूप का महालक्ष्मी और सात्विक स्वरूप का महासरस्वती, इन तीनों तत्वों का सम्मिलित स्वरूप भगवती दुर्गा। कई व्यक्ति विशिष्ट साधनाएं करना चाहते हैं, साधना के क्षेत्र में, शक्ति के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र विशेष में, उनके लिए इस शक्ति के ही पीठ 10 स्वरूप, वो 10 महाविद्याओं के रूप में सरस्वती ज्ञान की अधिष्ठात्रा देवी है। जितने भी कलाएं हैं, ज्ञान है, निरक्षर विवेक है, सबकी स्वामिनी भगवती सरस्वती। और विशिष्ट साधना इन्हीं क्षेत्रों के सफलता के लिए 10 महाविद्याओं में मातंगी की उपासना की जाती है। 10 महाविद्याओं में वैसे मूल रूप से वो भी 2 भागों में विभक्त है, काली कुल और श्री कुल। हमारे यहाँ पर, हमारे देश में जो चारों दिशाओं में जो 4 मठ हैं, आदि गुरु शंकराचार्य के स्थापित, उन चारों मठों में श्री कुल की, श्री विद्या की उपासना होती है। श्री यंत्र स्थापित है वहाँ पर, और भगवत पाद आदि गुरु शंकराचार्य ने इनकी उपासना के लिए, भगवती त्रिपुर सुंदरी की उपासना के लिए जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है सौंदर्य लहरी। उसी के माध्यम से श्री विद्या की, श्री यंत्र की उपासना की जाती है, और श्री विद्या की उपासना उन्हीं के माध्यम से करते हैं। भगवती मातंगी की उपासना जिन गुणों में, जिन क्षेत्रों में भगवती सरस्वती की कृपा से सफलता प्राप्त करते हैं साधक, उन्हीं क्षेत्रों में विशिष्ट साधना के लिए भगवती मातंगी की 10 महाविद्याओं में 9वीं महाविद्या मातंगी की उपासना की जाती है। मातंगी उपासना के पिछले वीडियो में जो प्रारंभिक उनकी जो गायत्री आदि, उनका विवरण मैं दे चुका हूँ। आज के इस वीडियो में कुछ विशिष्ट प्रयोग जो मातंगी के हैं, विशिष्ट कामनाओं के सिद्धि के हिसाब से, उन पर चर्चा करता हूँ। कलाएँ 64 मानी गई हैं, चित्रकला, मूर्तिकला, नृत्य कला, गायन कला, वादन कला, कितनी ही कलाएँ, वो 64 हैं। किसी भी कला के क्षेत्र से जुड़ा व्यक्ति हो और उस क्षेत्र में विशिष्ट सफलता चाहिए, सामान्य उपासना भगवती सरस्वती की तो है ही, उसके साथ अगर विशिष्ट कामना है तो फिर मातंगी की उपासना करनी चाहिए, भगवती मातंगी के सारी कामबा स्वरूप की। और उनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओं नमो भगवती सारी के सकल कला को विदे मम देवी बोधय बोधय स्वाहा। यह मंत्र, इस मंत्र का अनुष्ठान, इस मंत्र की साधना निरंतर करनी चाहिए। और व्यक्ति किसी भी कला के क्षेत्र में सफलता पाना चाहता हो,
भगवती मातंगी की कृपा से उसे उस क्षेत्र में विशिष्ट सफलता प्राप्त होती है। कई व्यक्ति केवल संगीत के क्षेत्र में, और उसमें भी गायन और वादन दोनों विधाओं में जो सफलता चाहते हों, विशिष्ट सफलता चाहते हों, उनको श्री वेणु मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए, उसकी साधना करना चाहिए, निरंतर जप करना चाहिए। और श्री वेणु मंत्र भगवती मातंगी का जो श्री वेणु मंत्र का जो स्वरूप है वो है ऐं ह्रीं श्रीं ओं नमो भगवते वेणुवे मम संगीत विद्याम प्रेच्छ स्वाहा। चाहे वादन के क्षेत्र में संगीत के जो वाद्य हैं, यंत्र वाद्य यंत्र हैं, उनको बजाने के क्षेत्र में सफलता चाहते हों, हारमोनियम तबला आदि, और गायन के क्षेत्र में सफलता, चाहे गायन हो या वादन हो, दोनों में सफलता के लिए यह मंत्र विशिष्ट फलदायी है। कुछ व्यक्ति केवल वीणा वादन में सफलता चाहते हैं और कई व्यक्ति केवल वीणा वादन में ही उन्होंने विशिष्ट सफलता प्राप्त की। रविशंकर का नाम कौन भूल सकता है उस क्षेत्र में, वीणा के क्षेत्र में, वीणा वादन के क्षेत्र में विशिष्ट सफलता के लिए वीणा मंत्र का अनुष्ठान जप करना चाहिए, और वो है ओम नमो भगवती वीणाए मम संगीत विद्याम प्रेच्छ स्वाहा। इस मंत्र का निरंतर जप, इसकी साधना, इस मंत्र के माध्यम से भगवती मातंगी की उपासना करनी चाहिए वीणा वादन के क्षेत्र में सफलता के लिए। कई व्यक्ति ज्योतिष के क्षेत्र में विशिष्ट सफलता चाहते हैं, किसी भी माध्यम से, चाहे वो माध्यम हस्तरेखा का हो या फिर जन्म कुंडली का हो, ज्योतिष के क्षेत्र में सफलता तभी मिलती है जब वो जो कुछ कहे वो भविष्य में घटित होता हो, भविष्य में सत्य साबित होता हो। अब ये कैसे संभव है? वैसे तो इसमें कई इष्ट देवताओं की, कईयों की कृपा कार्य करती है, सरस्वती की उपासना भी साधक सहायक होती है, दुर्गा की उपासना भी होती है, बगली भगवती बगलामुखी की उपासना भी होती है, लेकिन मातंगी का एक विशिष्ट मंत्र है जो इस क्षेत्र में विशेष रूप से सहायता करता है, सहायक सिद्ध होता है। वाक सिद्धि के मामले में कई लोगों के बारे में कुछ धारणाएं थोड़ी सी गलत होती है मन में। वो वाक सिद्धि से तात्पर्य ये समझते हैं कि जो कोई वो कह दें वही सत्य हो जाए। किसी को वाक सिद्धि प्राप्त है, इसका मतलब ये है कि जो कुछ वो कहेगा वही घटित हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। हो सकता है कोई सिद्ध बहुत साधक हो, किसा कृपा ईश्वर की, और जैसा वो कहें वैसा घटित हो जाए, लेकिन मूल रूप से उसमें बात ये होती है कि वास्तव में तो जो घटित होने वाला है वह उनके मुंह से निकलता है। और एक सामान्य ज्योतिषी को तो यही कामना करनी चाहिए कि जो कुछ सामने वाले के जो प्रश्न लेकर के आया है, जिसकी हम विश्लेषण कर रहे हैं, चाहे वो हस्तरेखा का हो या कुंडली का हो, जो उसके हित में हो वो हमारे मुंह से निकल जाए। जो सत्य होने वाला हो, जो घटने वाला है भविष्य का, वो घटनाक्रम ज्योतिषी के मुंह से निकल जाए। वास्तविकता यही है। वास्तविकता में तो वाक सिद्धि का यही तात्पर्य है। तो आप किसी भी क्षेत्र में, चाहे हस्तरेखा के क्षेत्र से जुड़े हों या ज्योतिष की जन्म कुंडली के विश्लेषण के क्षेत्र से, उस क्षेत्र में विशिष्ट सफलता चाहते हैं तो भगवती मातंगी के मंत्र का जप करना चाहिए, और वो है ऐं नमः श्री मातंगी अमोघे सत्यवादिनी मम करणे अवतर अवतर सत्यम कथय कथय ऐये ही श्री मातंगे नमः। इस मंत्र का जो अर्थ है उससे ये तात्पर्य, ये अर्थ कहनी लगाए हम कि वो हमारे कान में कुछ कहेंगी, एक लंबे समय के बाद वो सिद्ध अवस्था आने पर वो सुनाई भी पड़ सकता है,
लेकिन सामान्य रूप से तो जो कुछ घटने वाला होगा उसका आभास होगा, और वही उस ज्योतिषी के मुंह से निकलेगा, कथे कथे वही उसके मुंह से कहा जाएगा, वो सत्य घटित हो जाएगा। और उसको आम जन की भाषा में यूं कहेंगे कि इनको वाक् सिद्धि प्राप्त है, जैसा कहते हैं वैसा हो जाता है। लेकिन मूल रूप से तो होता क्या है, मूल रूप से होता ये है कि जो कुछ घटने वाला है, जो कुछ होने वाला है, वही उनके मुंह से निकलता है। वाक् सिद्धि का यही तात्पर्य है। तो ज्योतिष के हस्तरेखा ऐसे विषयों के जो समय का, भूत भविष्य वर्तमान का, समय का आकलन करके जो मार्गदर्शन करने वाले लोग हैं, जो इस क्षेत्र से जुड़े हैं, उनकी उन्हें सफलता के लिए मातंगी के इस मंत्र की नियमित उपासना आराधना करनी चाहिए। सामान्य उपासना जो कर सकते हैं सहज रूप से, विशिष्ट जिनसे नहीं बन सकता कुछ, उनको भगवती सरस्वती की उपासना, उनसे भी इन्हीं क्षेत्रों में सफलता मिलती है। और विशिष्ट कामनाएं, विशिष्ट सफलता यदि चाहिए तो फिर मातंगी की उपासना। मातंगी की विशिष्ट जो प्रयोग हैं, साधना, इनमें कई स्तोत्र मंत्र आदि हैं, उनके लिए हमको अध्ययन करना चाहिए तंत्र ग्रंथों का। उनमें सारे विधान मिलेंगे, अंगन्यास करन्यास मिलेंगे। आप यूँ कह सकते हैं, मैं एक तरह से परिचयात्मक तक आपको परिचय दे रहा हूँ। यदि आपको चाहिए तो फिर आप उन ग्रंथों का अध्ययन करें। दतिया का जो शक्तिपीठ है, पीताम्बरा पीठ, वहाँ महाविद्या चतुष्ट है, उसमें मातंगी के बहुत अच्छे प्रयोग, स्वामी जी महाराज की कृपा से वो पुस्तक सामान्य रूप से उपलब्ध है। आप कभी दतिया जाने का हो, वहाँ से दतिया के प्रकाशन से इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। भेदकारिणी तंत्र में भी बहुत विधान हैं। तंत्र ग्रंथों में भगवती मातंगी के और दशमा विद्याओं में मातंगी के स्वरूप का विशिष्ट अध्ययन करना चाहिए। मातंगी भगवती की विशिष्ट कृपा चाहिए तो भगवान श्री मतंग शिव और भगवती मातंगी आप सब पर कृपा करें, आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। इसी कामना के साथ, प्रार्थना के साथ मैं आपको नमन करता हूँ। नमस्कार।